हाय विवेक भाई। हेलो, कैसे भाई आप? बढ़िया बढ़िया। विवेक भाई क्या चल रहा है भाई आज? बस मैन फिजिक की हमारी आज भाई, एक बार फॉर्म दिखा दो भाई। फोन से आओ तो मैं बताता हूं, नहीं तो करो। क्या लगा दो भाई, क्या बात है। विवेक भाई कोच कौन है भाई आपका? एक तो हमारे भाई है। अच्छा, जो हमारे मेंटर हैं वो अंदर हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई भाई का? भाई का नाम है राहुल यादव। राहुल भाई कैसे भाई आप? राहुल भाई का जो है हमारा यूट्यूब चैनल भी है, राहुल लव फिटनेस करके। भाई लोग फॉलो कर लो भाई। भाई थैंक यू भाई। एक चीज बताओ भाई, तैयारी करवाने में लड़के को भाई कितनी मेहनत लगती है भाई? कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ भाई। बहुत बड़ी तपस्या है, और एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना अलग तरीका, और एक एथलीट कम्पीट करने का तरीका अलग है। और जो कि बॉडी देख के जज कर सकते हैं हम किसी का कितना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। अच्छा भाई, एक मेरा क्वेश्चन भाई आप लोगों से है। जी जी, अभी मैं देख रहा हूँ आप इनको ड्रीम 10 लगा रहे हो भाई। जी जी भाई, ड्रीम 10 बढ़िया या प्रो 10 बढ़िया? क्योंकि अभी मैं बताऊँ आपको, जो शोज हो रहे हैं आगे, जो बड़े शोज हैं भाई, उसमें प्रो 10 बोली जाती है। हाँ जी, प्रो 10 भाई, आपके हिसाब से प्रो 10 बढ़िया है या ड्रीम 10 बढ़िया है? और क्या ये एक धांधलेबाजी है, या इसको मैं बोलूँ कि कुछ अलग सी चीज चल रही है कि भाई प्रो 10 लगाओ? क्योंकि 3000 रुपए प्रो 10 के बोल देते हैं, 4000 रुपए प्रो 10 के बोल देते हैं, 5000 रुपए बोल रहे हैं। हाँ जी, 5000 रुपए एंट्री ली थी हमसे भी, शेरुकला मिस्टर ओलंपिया में इसमें। अच्छा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। मैं एक तो मैं सच्चाई ये बताता हूँ, बैक स्टेज जो है मतलब जो लड़के लगाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, निठल्ले टाइप, बस लपापोती चलती है उनकी। सच्चाई ये है, लगानी हमें अपनी खुद करनी पड़ती है, लगानी हमें खुद ही पड़ती है जब थोड़ा परफेक्ट बनती है। और प्रो 10 और ड्रीम 10 का फर्क ये है भैया कि ड्रीम 10 आप लोकल वाइज यूज कर सकते हो कंपटीशन में, अगर प्रोफेशनल कोई है कंपटीशन तो उसमें वो प्रो 10 ही यूज करी जाएगी। और आपको कौन सी बढ़िया लगती है भाई? भाई प्रो 10। प्रो 10 प्रो 10 बढ़िया भाई। हां जी भाई, प्रो 10। और भाई अब ये बताओ आप खाते क्या भाई, ये भी तो बता दो, इतने मोटे मोटे मसल्स कैसे बनाए हो भाई? भाई ये बना दो, ये अंडे चिकन फिश। कितने अंडे, कितने चिकन, कितने फिश? आधे किलो चिकन है और 20 अंडे हैं। और भाई डेली के ये उसको प्रोटीन डेली। और भाई जो मंगलवार आता है उसमें क्या करते हो? मैं खाता हूँ भाई, फिलहाल भाई या तो मंडे ट्यूसडे देख लो या फिर अपना गोल देख लो बस। कुर्सी का भाई फैमिली क्या कहते हैं भाई आपके? कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी फैमिली सपोर्टिव है। सपोर्टिव है? हां सपोर्टिव। फादर भी सपोर्टिव है भाई? सब सपोर्टिव है, बस करना मुझे फिर भी खुद ही है वो। अच्छा, मतलब वैसे कुछ मतलब मना नहीं करता किस चीज के लिए, बस कहता है देख लियो कुछ गलत करियो। आप कहां से भाई? मतलब नोएडा। नोएडा से आए भाई? और ये हाथ पे टैटू किस चीज का बनवाया भाई? ये मौरी टैटू बोलते हैं। इससे क्या होता भाई? शौक है बस। भैया एक मैसेज और देना चाहूँगा, आज के टाइम में जो लोग बाग हैं, जितने भी एथलीट हैं, मोस्टली ये टर्मिन एम का यूज़ करते हैं, तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि उसको यूज़ ना करें, वो बॉडी बिल्डिंग लाइन में कहीं भी यूज़ नहीं है। तो थोड़ा सा नुकसान भी बता दो भाई एक बार। बहुत नुकसान है भैया कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, और जितने भी बॉडी बिल्डर, जितने भी लोकल टाइप मरते हैं ना लड़के, वो हार्ट अटैक से जो मरते हैं, हाँ, तो वो ये इसी, ये दो चीज़ हैं ड्रग्स, इनको लेना नहीं चाहिए, ना इनका कोई यूज़ है बॉडी बिल्डिंग में। पर इंसानों ने, लोग बागों ने इनका शॉर्टकट इतना यूज़ कर लिया है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अभी ये जो जा रहे स्टेज पे तो ये क्या लेंगे अभी? ये भैया अभी बस सिट्रोलिन प्री वर्कआउट और अपना LRG9। चलो भाई, ये का कॉफ़ी, कॉफ़ी का पाउच लिया है अभी, और एक सिट्रोलिन की एक स्कूप छोटी, बस कॉफ़ी और सिट्रोलिन भाई। जी जी जी, चलो भाई बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया भाई। जाते जाते अपने इंस्टाग्राम हैंडल जरूर बताओ भाई। इंस्टाग्राम है भाई मेरा विवेक बॉडी बिल्डर 47। 47 भाई, ये 47 क्या खास है भाई? ये मेरी बस ऐसी है कि किसी ने बना ठीक है। आपका भाई? राहुल राव 0607। अब ये लो भाई, इतने बड़े बड़े कोड क्यों रखे हैं तुमने? अरे भाई बस डेट ऑफ बर्थ है। चलो भाई शुक्रिया मेरा भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू।